हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा एक बार फिर से आप सभी एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप अपने कोटक महिंद्रा बैंक का इंटरनेट बैंकिंग का सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास भी एक कोटक बैंक में अकाउंट है जिसका आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। और यदि आपका कोटक बैंक में अकाउंट नहीं है और आप चाहते हैं एक जीरो बैलेंस अकाउंट कोटक बैंक में ओपन करना, तो किस तरह से ओपन कर सकते हैं इसके बारे में मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूं। उसके एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, उसके डेबिट कार्ड का पिन कैसे सेट कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल्स के ऊपर मैंने वीडियोस पहले से ही बना रखे हैं। तो उन वीडियोस को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो कोटक बैंक नेट बैंकिंग को फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए जस्ट आपने ब्राउजर में टाइप कर देना है कोटक नेट बैंकिंग, और इतना टाइप करते ही जैसे सर्च करते हो तो आपके सामने इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। तो जहां पर आपने कोटक नेट बैंकिंग का ऑफिशियल यहां पर देख सकते हो लिंक, इस पे ही आपने टैप करना है। तो जैसे आप इस पे टैप करोगे आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगा जहां पर आपको लॉग इन करने के लिए बोलेगा। उसके लिए आपको CRN नंबर, यूजर नेम या फिर कार्ड नंबर के थ्रू लॉग इन करना है। तो आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हो, अगर आपके पास में यूजर नेम है तो यूजर नेम डाल दीजिए, CRN नंबर है तो CRN नंबर डाल दीजिए। तो मेरे पास तीनों चीज अवेलेबल है तो मैं यहाँ पर CRN नंबर डाल देता हूँ। बट आपके पास में CRN नंबर नहीं है तो आपने कोटक बैंक को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक मैसेज सेंड करना है, जिस मैसेज में आपने टाइप कर देना है CRN और उसे सेंड कर देना है 997105677 पे। उसके बाद में आपको कोटक बैंक की तरफ से एक मैसेज रिसीव हो जाएगा जिसमें आपका नेम और आपका CRN नंबर मेंशन हो, तो CRN नंबर का यूज करके आप यहां पर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे आप CRN नंबर डालकर नेक्स्ट करते हो उसके बाद में आपको यहां पर नेट बैंकिंग पासवर्ड वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाता है। बट आप यहां पर फर्स्ट टाइम नेट बैंकिंग में लॉग इन कर रहे हो तो आपके पास में अभी पासवर्ड नहीं होगा, तो इसलिए नीचे में आपको जनरेट पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जस्ट आपने जनरेट पासवर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके बैंक में रजिस्टर है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में फिर से आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। उसके बाद आपके पास में एक OTP रिसीव होगा, तो OTP को यहाँ पर सबमिट करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। जैसे आप OTP वेरीफाई करते हो उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड का डिटेल देना पड़ता है, या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, फॉरेक्स कार्ड है, तो आप उनकी डिटेल्स यहां पर एंटर कर सकते हो। तो यदि आपके पास में कोटक बैंक का 811 अकाउंट है तो आप कोटक बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन में डेबिट कार्ड की डिटेल्स देख सकते हो, तो वहां से आप डेबिट कार्ड का डिटेल कॉपी करके यहां पर डाल दीजिए और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। डेबिट कार्ड नंबर सबमिट करने के बाद में आपको उसका एक्सपायरी, CVV और कार्ड पिन एंटर करना है, देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद यहां पर आपको न्यू पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाता है, जो कि आप मिनिमम 8 कैरेक्टर से एंटर कर सकते हो, मैक्सिमम 60 कैरेक्टर का एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने अपनी मर्जी से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर देना है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम एक पासवर्ड एंटर कर दिया है, उसके बाद फिर से आपने इस पासवर्ड को री एंटर कर देना है। तो जैसे आप अपनी मनपसंद का पासवर्ड एंटर करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, न्यू पासवर्ड सेट का विंडो आ जाएगा। अब आप कोटक बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन कर सकते हैं अपने CRN नंबर और साथ ही पासवर्ड का यूज करके। तो चलिए हम यहाँ पर आपको लॉग इन करके भी दिखाते हैं। उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पर लॉग इन वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपना CRN नंबर एंटर कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर CRN नंबर डालकर नेक्स्ट कर दिया, पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और पासवर्ड एंटर करने के बाद में सिक्योर लॉग इन वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। उसके बाद आपके पास फिर से एक OTP आएगा, तो OTP को यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो OTP डालने के बाद में फिर से आपने सिक्योर लॉग इन वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। देन हम कोटक के नेट बैंकिंग में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ सेटअप कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो चलिए हम यहाँ पर सेटअप कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके लिए आपको बिगिन सेटअप वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। और आपको कोटक बैंक के नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए हर बार CRN नंबर और कार्ड नंबर की जरूरत ना पड़े, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से एक यूनिक सा यूजर नेम बना लीजिएगा और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर दीजिएगा। तो जैसे ही यूजर नेम डालकर नेक्स्ट करते हो उसके बाद में आपको 2-स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ता है। इसके लिए आपको आस्क टू डैशबोर्ड 2-स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा और यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिलता रहेगा, तो आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। जैसे आप सारे स्टेप को कंप्लीट कर लोगे यहाँ पर आपको आ जाएगा यू आर ऑल सेट, एक्सपीरियंस ए न्यू वे टू बैंक एनी टाइम एनीवेयर। अब आप कोटक बैंक के इंटरनेट बैंक कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन पे प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने कोटक बैंक का इंटरनेट बैंकिंग का होम पेज आ जाएगा, आप यहाँ पर मेरा नेम देख सकते हो
और इस होम पेज पर आपको फर्स्ट में 5 ट्रांजेक्शन दिखाई जाएंगे जो भी आपने लेटेस्ट में की होंगी। उसके अलावा आप इसके अकाउंट्स, कार्ड्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और लोन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन में ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वन बाई वन करके ये सारे ऑप्शंस पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट्स की डिटेल्स, कार्ड की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सो आप भी कोटक बैंक के इंटरनेट बैंकिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है उनको फॉलो कर आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आया होगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।